पेपर मिल गए? अल्हम्दुलिल्लाह पेपर अभी मिल गया। अभी तिलमिलाहट चिलबिलाहट जी क्या समाज काम कर रहे हैं। 15 साल का लाइसेंस मेरे को दे दिया। बांग्लादेश इधर चेंज हो गया, इधर चेंज। पाकिस्तान हमारा भाई है, हम बांग्लादेश है। हमारा ख्याल में यूरोप का सिंजन का अंदर एक ही कंट्री है जो है पुर्तगाल है। एक फिक्रे में पुर्तगाल को आप क्या कहते हैं? पुर्तगाल बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। 2021 से मैं इधर है, मेरे को पता है इधर कोई चूर नहीं। एक ही साफ में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बहुत पैसा यार, वो तो गोल्ड बिजनेस कर रहा है ना। अच्छा, ये तो गोल्ड बिजनेस है यार। कोई रेस्टोरेंट 15-20 हज़ार होगा तो अच्छा रेस्टोरेंट खुल सकता है। पासपोर्ट 2025 में अप्लाई करेगा? अप्लाई करेगा इंशाल्लाह, मेरे को पासपोर्ट भी मिल जाएगा। इधर फ्रांस गया, फ्रांस जाके मैं इधर 3 साल और बैठा, लेकिन इधर भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया। स्पेन में आके मैं इधर 2-3 साल इधर इंतजार किया, उसी में भी देखो डॉक्यूमेंट नहीं बना। मैं तो पहले देखो भाईजान, मैं पहले यूनान में था, ग्रीस में था। एक दो महीना वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, आपको दूसरा लाइसेंस भी दे देता है। उबर बोल्ट, बीडी टैक्सी, मेरा A1, A2, B1, B2 भी मैं कर सकता। अच्छा, इधर लाइसेंस भी चेंज हो जाता है? इधर तो देखो मैं बांग्लादेश से लाइसेंस लेके आया, आके सीधा एक दिन में मैं मदीरा चला गया, तो एक साल में पेपर मिल गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, चार जमीने पुर्तगाल से मलक अरसलान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बंगाली बाजार के आगे खड़े हैं। मेरा ये बांग्लादेशी भाई आज पुर्तगाल के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। ये यहाँ पर कैसे है, पेपर कैसे मिलते हैं, नेशनलिटी कैसे मिलती है, पुर्तगाल के बिजनेस के हालात तो वाकई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल? अच्छा है, ठीक ठाक है। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है भाईजान। कब आया था पुर्तगाल में? इधर तो 2021 में आया। दो हजार इक्कीस में आया। पेपर मिल गए? अल्हम्दुलिल्लाह पेपर अभी मिल गया। अभी कितने टाइम में मिले थे? इधर तो एक साल में पेपर मिल गया। ठीक है, कार्ड रिन्यू हो गया? दूसरी अभी कार्ड रिन्यू होने वाला है ये महीना। अभी तो पूरा बंदा अभी इंतजार कर रहा है, अभी 4-5 महीने से पूरा बंदा इंतजार कर रहा है। अभी हम लोग का कार्ड शायद ये महीना, शायद अभी पूरा बंदा का फिंगर ले रहा है महात्मा गांधी में। जी जी, वही फिंगर अभी पूरा बंदा का 2022-23-24 खत्म हो जाएगा। तो अभी शायद नया रूल्स आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, हम लोग सुन रहे हैं नया कानून भी आ रहा है, अच्छा कानून भी आ रहा है इधर इमिग्रेशन इमिग्रांट के लिए। तो अभी हम लोग इसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। हम लोग का भी अभी कार्ड रिन्यू होने के लिए अभी इंतजार है, इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इधर लाइसेंस भी चेंज हो जाता है? इधर तो देखो मैं बांग्लादेश से लाइसेंस लेके आया, आके सीधा एक दिन में मैं मदीरा चला गया, जाके मेरे को एक दिन में चेंज करके मेरे को 39 ईयर्स तक मेरे को दे दिया। इंटर 39 ईयर्स। बड़ा वाला हैवी वाला लाइसेंस लेना है तो आप इधर जाओ, इधर इंटरव्यू करो, एक दो महीना वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, आपको दूसरा लाइसेंस भी दे देता है। इतना जरूरत नहीं है, आप पुर्तगीज में बात करो, इतना जरूरत नहीं है, आप इशारा में इधर सब कुछ कर सकता है। जबरदस्त। अच्छा, पुर्तगाल से पहले आप किस कंट्री में थे? मैं तो पहले देखो भाईजान, मैं पहले यूनान में था, ग्रीस में था। ग्रीस से मैं देखो आया स्पेन में। स्पेन में आके मैं इधर 2-3 साल इधर इंतजार किया, उसी में भी देखो डॉक्यूमेंट नहीं बना। बाद में मैं क्या दीवान हाजिल किया, मैं फ्रांस गया, फ्रांस जाके मैं इधर 3 साल और बैठा, लेकिन इधर भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया। लेकिन मैं इधर पुर्तगाल जॉब आया, 1 साल का अंदर डॉक्यूमेंट भी बना लिया। इतना सजिलो होता है, इतना फासिल इधर डॉक्यूमेंट बना सकता है, विश्वास नहीं कर सकता। जो नहीं आता है उसको नहीं पता है ना, आएगा तो पता लग जाता है। जैसा देखो अभी 6 टैक्स देगा, 10 टैक्स देगा, 12 टैक्स देता है, तो उसको क्या करता है इधर वकील का सिस्टम में, क्या करता है वकील का मदद से आप इधर फिंगर ले सकता है। फिंगर लेके आप क्या करो, इधर आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दूसरा बात है, इधर अगर कोई किसी को आपको मदद करेगा, आप काम भी नहीं मिलेगा तो मुश्किल नहीं, आप खुद अपना एक्टिविटी चालू करके इधर काम, गवर्नमेंट को टैक्स देके आप इधर डॉक्यूमेंट ले सकता है। सबसे सौद सजिलो सिस्टम, फासिल सिस्टम है इधर पुर्तगाल। जबरदस्त। अच्छा, फ्रांस में भी पेपर नहीं मिले, स्पेन में भी नहीं मिले, यूनान में भी नहीं मिले, पुर्तगाल में मिल गया, 1 साल का अंदर मिल गया। अब पासपोर्ट वाला क्या सीन? अभी देखो मेरा हिसाब से अभी आने वाला जो 2025 में मैं अभी पासपोर्ट डिमांड करने वाला। पासपोर्ट 2025 में अप्लाई करेगा? अप्लाई करेगा इंशाल्लाह, मेरे को पासपोर्ट भी मिल जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, इतनी जल्दी पासपोर्ट कैसे अप्लाई करेगा? फाइल लॉक से टाइम शुरू? अभी देखो इधर जो नया कानून आया, जब से आपको फाइल लॉक हुआ, इधर मैनिफेस्टा जॉब हुआ, आपको सोशल फाइनेंस निकल गया, आप उसी टाइम से अब इधर अभी काउंटिंग हो रहा है, उसी टाइम से आप अभी लीगल हो गया। जबरदस्त। अच्छा, जो लोग पूरे यूरोप से या पूरे अरब से या पूरे पाकिस्तान से पुर्तगाल का D2 वीजा, जो कि बिजनेस वीजा होता है, ये बाहर से लेके आ रहे हैं, तो बिजनेस के हालात यहाँ पर कैसे हैं? इधर बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह, इधर देखो बिजनेस के लिए इतना पैसा भी ज्यादा जरूरत नहीं। आपको 8-10 हज़ार यूरो इन्वेस्ट करेगा तो अच्छा वाला है, आप मिनी मार्केट का कोई दुकान, कोई रेस्टोरेंट, 15-20 हज़ार होगा तो अच्छा रेस्टोरेंट खुल सकता है। अच्छा। जो इधर बहुत सारे बंदा है, आप भी देख रहे हैं, बंगाली के लिए सेंटर कमर्शियल मार्केट है, बेनफॉर्मा से ये बंगाली पाकिस्तानी, इधर एशिया का राज चलता है, इधर दूसरा कोई नहीं। अच्छा, इधर एशिया का पूरा जो हम लोग एशिया ज्यादा करके इधर बंगाली, एक गली बंगाली गली बोल के पहचानता है पूरा। बिल्कुल, इसको बंगाली बाजार, बंगाली गली। हाँ, बंगाली बाजार, बंगाली गली, बंगाली खाना, बंगाली फूड, पूरा
पूरा बंगाली फूड इधर, मच्छी बगैर जो चीज मिलता है सब इधर ही मिलता है। मच्छी मिलता है इधर, सब चीज मिलता है यार, वो पान वगैरह, पान बगैर सब चीज इधर पूरा बंगाली फूड इधर ही मिलता है। अच्छा, ये मर्ती मोरिस में बैठकर बुजुर्ग हजरात, बाबे माइया, लड़कियां लड़के चाय बेच रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं। इधर देखो, इधर देखो क्या बात है, पुर्तगाल पुलिस में पुलिस को इधर धन्यवाद देता है, वो लोग को मैं थैंक्स देता है कि वो लोग ज्यादा करके बंदा लोग को इधर ये देता है, सार देता है, फैसिलिटीज दे रहा है। हाँ। तो वो लोग को पता है इधर कभी कभी काम दाम नहीं मिलता, तो बंदा लोग नहीं आता है, आके तो काम दाम पहले तो नहीं मिलता है, इसलिए वो खुद अपना सेल्फ बिजनेस लगा के, मेहनत लगा के काम कर रहा है। बिल्कुल सही बात। तो इधर देखो पुलिस भी कुछ नहीं करता है, वो लोग जाके सिंगारा समोसा बेच रहा है, ठीक है, अच्छा अच्छा वो लोग कमा रहा है, वो लोग भी 50-60 यूरो कमा लेता है। बिल्कुल 50-60 यूरो नॉर्मल चाय बेच के, समोसा बेच के, समोसा बेच के कमा लेता है, ठीक है। अच्छा, मैंने देखा बहुत ज्यादा लोग पान बेच रहे हैं, टक टक वो कैंची सी पकड़ी हुई है, वो तो बहुत पैसा यार, वो तो गोल्ड बिजनेस कर रहा है ना। अच्छा, ये तो गोल्ड बिजनेस यार। अच्छा, ये तो देखो बंगाली का फेमस है ना, हम भी पान खाए ना यार। अच्छा, पान खाता तुम? हाँ, पान खाता है ना यार, हम भी पान खाते हैं। बादशाह अकबर, शहनशाह, सब लोग इधर पान खाते हैं। अच्छा, ये शहनशाहों की खुराक है, ये राजकीय है, जो हम लोग का राजकीय उस टाइम राजा लोग ऐसा खाता है, अभी वो परंपरा हम लोग भी खा रहा है। पान का बिजनेस भी पुर्तगाल में चल रहा है। वीवर आगे आप अंदाजा इमिग्रेंट का लगा ले। अच्छा, एक टाइम पे 100, 200, 300, 500 तक लोग इस गली में एंटर होते हैं, ये क्या? ये देखो जैसा आईमा का सिस्टम में होता है, एक ही साल में फ्रांस, जर्मन, पूरा बंदा इधर काम करता है, पूरा इधर आकर डॉक्यूमेंट बनाता है, डॉक्यूमेंट के लिए इधर आ जाता है, आके पूरा बंदा इधर जमा रहता है। जबरदस्त। अच्छा, जो लोग आपको यूनान से देख रहे हैं, आपके दोस्त फ्रांस से, आपके दोस्त देख रहे हैं स्पेन से, देख रहे हैं पूरे यूरोप से इलीगल इमिग्रेंट देख रहे हैं, उन्हें क्या मशवरा देते हो कि 2025 में पुर्तगाल की इमिग्रेशन खुलने के चांस हैं? देखो अभी तो जरा पुर्तगाल लैंग्वेज में जो बंदा लोग बात कर रहा है, जैसा अभी ब्राजीलियन है, अंगोला है, ये सबको अभी खोल दिया, तो ये यूरोपियन सिस्टम है, शेंजेन सिस्टम है, इस ये मुल्क में ऐसा रूल्स है, ये अपना मुल्क का सेम सेम नहीं है, जे बंगाली को अलग कर दो, पाकिस्तानी को अलग कर दो, ये पठानी पठानी है, ये पंजाबी है, इधर ऐसा सिस्टम नहीं है, इधर सबका खुलेगा, तो एक ही साथ सबका खुलेगा। अगर ये लोग भी खुल गया, शायद अभी नया रूल्स आ रहा है, फिर सेफ एंट्री इधर खुल जाएगा, फिर इधर लीगल का तरीका खुल जाएगा। एक ही साफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, यहाँ पर कोई काला कोई गोरा कोई जनाब निस्बत तनासबत चौधरी मलक जाट यहाँ नहीं है, सारे एक लाइन में खड़े होकर इमिग्रेशन ले रहे हैं और लेते रहेंगे। अच्छा, जो लोग इलीगल हैं, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, नेदरलैंड, इटली, स्पेन, यूनान, इन कंट्रीज से लोग यहाँ पर आके पेपर ले सकते हैं, आपके अंदाजे में 2025 में? 2025 में अभी देखो अभी वो लोग सिस्टम में बंद ऑफ करके रख दिया, जो पहले जो सिस्टम होता है ना सेफ एंट्री, सेफ एंट्री वो लोग क्या किया अभी बंद करके रख दिया, शायद 1-2-3 महीने का अंदर खुल जाएगा, खुलेगा तो इंशाल्लाह सब लोग फिर भी इधर आसान में लीगल हो सकता है। चले ठीक है, एक फिक्रे में पुर्तगाल को आप क्या कहते हैं? पुर्तगाल बहुत अच्छा है, जबरदस्त है, सबसे मेरे को इधर देखा 3 साल अभी 2021 से मैं इधर है, मेरे को पता है इधर कोई चोर नहीं है, चोर नहीं है। मैं जब बार्सिलोना में स्पेन में था, पहले दिन मैं प्लेन से जब लैंड नीचे आया, हाँ, उतरने के बाद पार्क में बैठा हुआ, मैं बात कर रहा है मेरा मुल्क में, मेरा माँ में, हाँ। उसी टाइम मोबाइल लेके भाग गया। ओ, कमबख्त। अच्छा, बहुत खतरा चीज है स्पेन। फिर इधर फ्रांस में गया, इधर भी जाके अरबी लोग, खजूरी लोग आके हम लोग को मारपीट करके मोबाइल लेके जाता है, लेकिन इधर इतना साल से मैं अभी तक चोर नहीं देखा, चोर को जो है इधर से निकाल दिया गया, भाग गया इधर कुछ। लेकिन इधर वेदर भी बहुत अच्छा है, वेदर अच्छा है, लेकिन आज थोड़ा सा हल्का सा सर्दी है, क्योंकि बारिश हुआ ना, बारिश। अच्छा, हुआ आशकाना वेदर इसे कह सकते हैं, लविंग रोमांस वही है। आपकी जिंदगी में ये इतनी ये तिलमिलाहट चिलबिलाहट क्या आ भाई भाई, शादी किया? अल्हम्दुलिल्लाह हम शादी भी किया। अच्छा, गोरियां इधर प्यारी हैं वैसे? इधर बहुत है यार। अच्छा, बहुत है, बहुत है, बहुत दिल फ्रेम, बहुत बहुत, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, आप किसी को रिलेशन कर सकता है इधर, सब फ्री माइंड है। अच्छा, शादी कर सकता है? कर सकता है, वो आपका मर्जी है। शादी का मैंने सुना नेशनलिटी भी 3 साल बाद इधर शादी का, शादी हो जाएगा आज, बच्चा हो जाएगा तो कल आपको पासपोर्ट भी मिल सकता है। ये बात 100% देखो, अभी देखो आपका डॉक्यूमेंट है, आपका बीबी को बुलाया, बीबी का डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आपका बीबी भी जब बच्चा बन जाएगा उसका डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा, 3 साल बाद में भी पासपोर्ट भी मिल जाएगा। इधर इतना सजीलो सिस्टम और दुनिया में पुर्तगाल नंबर वन कंट्री, नंबर वन हमारा ख्याल में यूरोप का सिंजन का अंदर एक ही कंट्री है जो है पुर्तगाल है, इसको हम लोग लाइक देता है 100% 99%। जबरदस्त। हम दुआ लिखते रहे वो दगा समझते रहे, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया, मेरा ये बंगाली भाई डक्का से सिलर से, जो है पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा भाई है, हम बांग्लादेश है, हम इमरान खान को बहुत लाइक करता है, इमरान खान हमारा वजीर आजम है, दुनिया का वजीर मुस्लिम वजीर आजम। वाह जबरदस्त। मैं देखो पाकिस्तानी भर भाई को मैं यही बोल रहा है, इमरान खान को आजादी करो, हम लोग एक मुस्लिम लीडर चाहिए, ये मुस्लिम लीडर हम लोग को जरूरत है, पूरा दुनिया का मुस्लिम के लिए उसको आजादी कराओ, जो चूर चुटा डीजल मुल्ला सबको भगाओ। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। अब तक इतना ही, मुझे और मेरे दोस्त को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट इस इनफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हामी और नासर।